हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हेल्थ केयर ट्यूटोरियल्स। हमने जैसा कि पहले आपको प्रीवियस वीडियो में हेल्थ डे पर जो हमारा वीडियो डाला था उसमें हमने आपको बताया था कि हम अपने अपकमिंग लेक्चर्स जो भी सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे वो लेक्चर्स आपको 10th of April ऑनवर्ड्स देखने को मिलेंगे। तो उन लेक्चर्स से पहले, चूंकि हम हेल्थ केयर सेक्टर की स्टडी कर रहे हैं, तो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी काफ़ी हद तक मैटर करती है। काफ़ी कुछ चीज़ें हम टर्म से समझते हैं, तो इन टर्मिनोलॉजी को जानना हमें सबसे पहले ज़रूरी होता है। तो टर्मिनोलॉजी में हम जो बात करेंगे, उन टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। उस टर्मिनोलॉजी का सफिक्स क्या है और उस टर्मिनोलॉजी का प्रीफिक्स क्या है। प्रीफिक्स मतलब ऐसी चीज़ जो किसी टर्मिनोलॉजी की स्टार्ट में अगर आती, पहले आती है तो उसकी क्या मीनिंग निकलती है, और सफिक्स मतलब कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी टर्मिनोलॉजी के या किसी वर्ड के एंड में आता है तब उसकी क्या मीनिंग निकलती है। तो इस वीडियो को हम दो पार्ट में बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट में आपको प्रीफिक्स इंक्लूड किए जाएंगे एंड नेक्स्ट पार्ट में आपको सफिक्स देखने को मिलेंगे। तो आइए हम सबसे पहले प्रीफिक्स की बात करते हैं। तो प्रीफिक्स में हम सबसे पहला वर्ड जो देखते हैं वो देखते हैं एडिनो को। एडिनो मतलब ग्लैंडुलर, किसी ग्लैंड से रिलेटेड चीजें हैं वो एडिनो में आती हैं। एडिनो वर्ड कहीं पे आएगा वो ग्लैंड से रिलेटेड चीजों की बात करेगा, फॉर एग्जाम्पल एडिनोपैथी। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एन। एन मतलब एबसेंट या नॉट, नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट और एबसेंट, वो आता है एन वर्ड में। जैसे आप बात कर लेते हैं एनोक्सिया की, मतलब ऑक्सीजन की कमी होना। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एंटी। एंटी मतलब अगेंस्ट, किसी चीज के अपोजिट होना। फॉर एग्जाम्पल एंटीएमेटिक्स, जैसे वॉमिट को कंट्रोल करने वाली ड्रग्स होती है, वॉमिट के अगेंस्ट जो वर्क करती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एओर्टो। एओर्टो मतलब एओर्टा, ऐसा वर्ड जो कि एओर्टा से रिलेटेड चीजें जो हैं उनको दिखाता है। एओर्टोटोमी, फॉर एग्जाम्पल आप बात कर लेते हैं एओर्टोटोमी की, मतलब एओर्टा की सर्जरी। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका आर्थो। आर्थो मतलब जॉइंट, मतलब ये वर्ड कहीं पे भी आता है अगर इसका प्रीफिक्स यूज किया जाता है तो वो जो है जॉइंट को इंक्लूड करता है। फॉर एग्जाम्पल आर्थराइटिस, जैसे जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन होना, जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन जो कंडीशन। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ब्लेफ। ब्लेफ मतलब आईलिड। फॉर एग्जाम्पल ब्लेफराइटिस, मतलब आईलिड्स में इन्फ्लामेशन होना ब्लेफराइटिस कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रोंको, BRONCHO, ब्रोंको। ब्रोंको मतलब ब्रोंकाई। फॉर एग्जाम्पल ब्रोंकाइटिस, जैसे ब्रोंकियल्स वॉल में जो होता है, ब्रोंकाई में जो है इन्फ्लामेशन होता है, वो ब्रोंकाइटिस कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है कार्डियो। कार्डियो मतलब हार्ट, जो कि हार्ट को इंक्लूड करता है, हार्ट को जो है डिनोट करता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कार्डियोमेगैली, मतलब हार्ट में एनलार्जमेंट होना, बड़ा हो जाना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा सेफाल। सेफाल मतलब हेड। सेफाल वर्ड जो है वो हेड को इंक्लूड करता है, हेड को डिनोट करता है। फॉर एग्जाम्पल सेफेलो हेमाटोमा, जैसे हेड में जो है किसी हेमाटोमा का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा सेरिब्रो। सेरिब्रो मतलब ब्रेन। सेरिब्रो वर्ड जो है हमारे ब्रेन को डिनोट करता है। फॉर एग्जाम्पल सेरिब्रो स्पाइनल, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है सर्वाइको। सर्वाइको मतलब सर्विक्स, फॉर एग्जाम्पल सर्वाइको प्लास्ट। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा कॉले। कॉले मतलब गॉल ब्लैडर, या जैसे कॉलेसिस्टो की आप बात कर लेते हैं, गॉल ब्लैडर को वो डिनोट करता है। फॉर एग्जाम्पल कॉलेलिथियसिस। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा कोलाई। कोलाई मतलब बॉवेल, फॉर एग्जाम्पल कोलाइटिस। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा कॉल्पो। कॉल्पो मतलब वेजाइना, फॉर एग्जाम्पल कॉल्पोस्कोपी। उसके बाद DYS, डिस। डिस मतलब डिफिकल्टी या ट्रबल होना, फॉर एग्जाम्पल डिसमेनोरिया। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा डाया। DIA, डाया मतलब थ्रू, किसी चीज के थ्रू पास होना, फॉर एग्जाम्पल डायलिसिस। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा एंटेरो। एंटेरो मतलब इंटेस्टाइन। ENTERO, एंटेरो मतलब इंटेस्टाइन, स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन को ये इंक्लूड करता है। फॉर एग्जांपल एंट्राइटिस मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन होना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा गैस्ट्रो। गैस्ट्रो मतलब स्टमक, फॉर एग्जाम्पल गैस्ट्राइटिस। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा ग्लॉसो। ग्लॉसो मतलब टंग, फॉर एग्जाम्पल ग्लोसाइटिस। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा हीमा। हीमा मतलब ब्लड, फॉर एग्जाम्पल हिमेचूरिया मतलब ब्लड इन यूरिन। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा हेपा। हेपा या हेपेटिक या हेपेटो, जो कि डिनोट करता है आपके लिवर को। जैसे आप बात कर सकते हैं हेपाटाइटिस, मतलब लिवर में इन्फ्लामेशन होना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है आपका हिस्टेरो। हिस्टेरो मतलब यूट्रस। जैसे आप बात कर सकते हैं हिस्टेरेक्टोमी, मतलब यूट्रस का एक्सीजन करना, कट करके बाहर निकालना, हिस्टेरेक्टोमी कहता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका लैरिंगो। लैरिंगो मतलब लैरिंग्स। जैसे लैरिंग्स को आप डिनोट करें तो लैरिंगो वर्ड से डिनोट करते हैं। जैसे आप बात कर सकते हैं लैरिंजाइटिस की, मतलब लैरिंग्स में इन्फ्लामेशन होना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है ल्यूको। ल्यूको मतलब व्हाइट, फॉर एग्जांपल ल्यूकोसाइट, जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनको ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा मेट्रो। मेट्रो वर्ड जो है वो भी डिनोट करता है यूट्रस को।
फॉर एग्जाम्पल एंडोमेट्राइटिस, नेक्स्ट वर्ड आता है आपका माइलो, एम वाई ई एल ओ, माइलो मतलब स्पाइनल कॉर्ड, फॉर एग्जाम्पल माइलो मेनिंजोसील, जहां पर स्पाइनल कॉर्ड और मेनिंजीज दोनों को लेकर पाउचिंग होती है, कंडीशन माइलो मेनिंजोसील कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है आपका मायो, मायो मतलब मसल, मायोकार्डियम आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा नेफ्रो, नेफ्रो मतलब किडनी, फॉर एग्जाम्पल नेफ्राइटिस। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है आपका न्यूरो, न्यूरो मतलब नर्व, फॉर एग्जाम्पल न्यूरोलॉजी, नर्व की स्टडी न्यूरोलॉजी कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है आपका ओडोंटो, ओडोंटो मतलब टूथ, फॉर एग्जाम्पल ओडोंटोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा ऑर्चिडो, ओ आर सी एच आई डी ओ, ऑर्चिडो, ऑर्चिडो मतलब टेस्टीज, फॉर एग्जाम्पल क्रिप्टोर्किडिज्म, जो नेक्स्ट हमारी टेस्टिकुलर एक एबनॉर्मेलिटी होती है, क्रिप्टोर्किडिज्म कहलाती है, आपको जेनेटिक्स में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा ऑस्टियो, ऑस्टियो मतलब बोन, फॉर एग्जाम्पल ऑस्टियोपोरोसिस। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा ऑटो, ऑटो ओ टी ओ, ऑटो मतलब ईयर, फॉर एग्जाम्पल ऑटोरियर, जैसे ईयर से डिस्चार्ज होता है। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका ऑफ्थो, ऑफ्थो मतलब आई, फॉर एग्जाम्पल ऑफ्थेल्मिया, जैसे कोई आई डिसऑर्डर होता है उसको ऑफ्थेल्मिक कहा जाता है, ऑफ्थेल्मिक डिसऑर्डर होते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा फेरिंगो, फेरिंगो मतलब फेरिंग्स, फॉर एग्जांपल फेरिंजाइटिस, फेरिंग्स में इन्फ्लामेशन होना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा पायो, पायो मतलब पस, फॉर एग्जांपल पायोरिया। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा न्यूमो, न्यूमो मतलब लंग्स या फिर एयर या गैस का फिल होना, वो न्यूमो वर्ड कहलाता है, फॉर एग्जाम्पल न्यूमोथोरेक्स की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा रेन, रेन मतलब किडनी, फॉर एग्जाम्पल रेनिन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है राइन, आर एच आई एन, राइन, राइन मतलब नोज, फॉर एग्जाम्पल राइनाइटिस। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा सेल्पिंजो, एस ए एल पी आई एन जी ओ, सेल्पिंजो मतलब फेलोपियन ट्यूब, फॉर एग्जाम्पल सेल्पिंजाइटिस। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा स्प्लेनो, एस पी एल ई एन ओ, स्प्लेनो, स्प्लेनो वर्ड डिनोट करता है स्प्लीन को, फॉर एग्जाम्पल स्प्लीनो मेगैली, जैसे स्प्लीन में एनलार्जमेंट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा थोरेको, टी एच ओ आर ए सी ओ, थोरेको मतलब चेस्ट या चेस्ट वॉल, फॉर एग्जाम्पल थोरेसिंटेसिस, थोरेकोसिंटेसिस जो भी है, थोरेसिक कैविटी, वो जो है चेस्ट या चेस्ट वॉल को डिनोट करता है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा थायरो, थायरो मतलब थायरॉइड ग्लैंड, फॉर एग्जांपल हाइपोथायरॉइडिज्म, हाइपरथायरॉइडिज्म जो भी है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा यूरेथ्रो, डिनोट करता है यूरेथ्रा को, फॉर एग्जांपल यूरेथ्रोस्कोप, जैसे यूरेथ्रा का एग्जामिनेशन होना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा वेसिको, वेसिको मतलब ब्लैडर, फॉर एग्जाम्पल वेसिकोस्टोमी, मतलब वेसिको मतलब ब्लैडर में, ऑस्टोमी मतलब सर्जिकल इंसीजन करना, सर्जरी करना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा जीरो, एक्स ई ई आर ओ, जीरो, जीरो मतलब ड्राइनेस, फॉर एग्जांपल जीरोथर्मिया, आई में ड्राइनेस होना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा जैंथो, जैंथो जो है वो डिनोट करता है येलोइश डिस्कलोरेशन को, येलो कलर को। तो इसके एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं जैसे जैंथोडर्मा, जैसे स्किन जो है वो येलो होने लगती है, वो जैंथोडर्मा कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा जाइगो, जेड वाई जी ओ, जाइगो मतलब यॉक शेप्ड, किसी चीज का एक यॉक शेप्ड स्ट्रक्चर होना, फॉर एग्जाम्पल जाइगोडैक्टाइली, जिसमें क्या होता है कि हमारे जो पैर हैं, फूट हैं, उसमें जो है टोज जो है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों में जो है दो दो टोज देखने को मिलते हैं, वो जाइगोडैक्टाइली कहा जाता है। तो जाइगो वर्ड जो है वो डिनोट करता है किसी यॉक शेप्ड स्ट्रक्चर को। उसके बाद जो एडिशनल हर कोई लगभग इनको जानता है, हाइपो और हाइपर को, हाइपो मतलब किसी चीज का कम होना या किसी चीज से नीचे होना, और हाइपर मतलब किसी चीज का बढ़ना या ज्यादा होना। सो थैंक यू, और ये था हमारा जो प्रेफिक्स का पार्ट था। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पार्ट में हम अपलोड कर देंगे सफिक्स को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।